जैन किसान भाइयों, आज मैं चर्चा करूंगा कि मई माह में किए जाने वाले खेती बाड़ी के कार्य, कि मई माह में हमको कौन कौन से खेती बाड़ी के प्रमुख कार्य करने चाहिए। आज यह वीडियो खासकर किसान भाइयों के लिए है। इसमें आज चर्चा करेंगे कि गेहूं की कटाई के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि खेत खाली पड़े रहते तो कैसे उसमें आप ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, उस पर चर्चा किए थे। आज हम उन सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि जो अप्रैल लास्ट और मई महीने में कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कार्य तो यही रहता है कि खेत खाली रहता है, अप्रैल में गेहूं कटाई हो जाती है, तो मई माह में उन खेतों की जुताई। देखिए, गर्मी माह में हमेशा गहरी जुताई करना चाहिए, मिट्टी पलट वाले हल से गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई करने के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे जो भी खरपतवार के बीज या खरपतवार के कुछ पार्ट, ये सब जो मिट्टी में दबे होते हैं या उनकी जड़ें, ये सब ऊपर आ जाते हैं। कुछ रोग कारक होते हैं, ये रोग कारक मिट्टी में पड़े होते हैं, ये भी ऊपर आ जाते हैं और अधिक तापक्रम की वजह से ये सब नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे कीड़े कीड़ों के जो भी उनके जनरेशन होते हैं, जो उनके वो सब भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे उनका लार्वा है, उनका अंडा है, उनका प्यूपा है, ये सब भी मिट्टी के सतह पर आ जाता है और प्रकाश की अधिकता के कारण ये सब मर जाते हैं। तो इसलिए गर्मी में गहरी जुताई ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो गर्मी में गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद में फिर मई लास्ट इधर चली रहा है, जून 15 जून के बाद मानसून आ जाता है, बारिश होने की स्थिति आ जाती है। ऐसे में जल संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए मेड़बंदी कर लेना चाहिए, क्योंकि आप खेत खाली होता है इधर, और अगर मेड़बंदी कर लेंगे तो बारिश का पानी आपके खेत में रुकेगा, तो पानी भी रुकेगा, उससे आपकी मृदा में जलधारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ मिट्टी जो पानी के बहाव के साथ जो मिट्टी का लाश होता है वो भी नहीं होगा। तो जल संरक्षण और मृदा संरक्षण के लिए मेड़बंदी करना ये भी इस समय अत्यंत उपयोगी है। अगर आप मेड़बंदी नहीं करते हैं तो आपकी खेत का जो ऊपरी परत है वो बह करके इस जगह से दूसरे जगह पर चला जाएगा, तो इसलिए मेड़बंदी करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात कि आपके खेत के बगर में कुछ चकनाली होगा या चक्रोट होगा या मेड़ होगा, इन सब पर बहुत सारे खरपतवार होते हैं और इन खरपतवारों पर कीड़े मकौड़े आश्रित होते हैं। जब आपके खेतों में फसल नहीं होते हैं तो वो कीड़े मकौड़े जा करके उन मेड़ों पर उगे खरपतवारों पर ये आश्रित हो जाते हैं, तो इसलिए मेड़ों की भी सफाई कर देनी चाहिए। बगल में अगर इरिगेशन चैनल है, मतलब सिंचाई की नालियां हैं, उन सबको भी साफ सुथरा करके जो मेड़ों पर अतिरिक्त खरपतवार हैं उन सबको भी काट पीट कर अच्छे तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। अगली बात, नर्सरी लगाने हेतु एक अच्छी तैयारी भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इधर अब धान की नर्सरी लगानी है तो उसके लिए खेत की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हल्की बारिश हो ही गई है तो इसमें खरपतवार कुछ आवश्यक तौर पर जम जाएंगे, फिर मिट्टी की जुताई कर दें, मिट्टी को थोड़ा जुताई करके बढ़िया उसका लेवलिंग कर लें, जितने एरिया जितना आपको धान बैठाना है, जितना आपको लगाना है, उसका 1/10% भाग आप नर्सरी हेतु तैयार कर लें और उस खेत को अच्छे तरीके से उपचारित कर लें, खरपतवार से मुक्त कर दें, क्योंकि छोटे एरिया में आपको नर्सरी लगाना होता है। अगर उसमें खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नर्सरी आपकी बेकार हो जाती है, या मिट्टी अगर भुरभुरी नहीं होती है तो ऐसे में भी उस पे बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ जाता है, जिससे नर्सरी से पौध को उखाड़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो उसके लिए मिट्टी का चुनाव कि किस प्रकार के मृदा में
इसके लिए बलुई दोमट मृदा ये बहुत उपयुक्त मानी जाती है, इससे आप इस बार अच्छे तरीके से नर्सरी डाल सकते हैं। तो पहले से 2-3 बार खेत की जुताई करके जो भी उसमें खरपतवार, रोग कारक, कीट पतंग ये सब हो, इन सबको पूर्णतया खत्म कर देना चाहिए। और फिर बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। बीज को अच्छे तरीके से, जैसे कार्बनडाजिम 50%, इससे अच्छे तरीके से उपचारित कर लेना चाहिए। और पीएसबी के द्वारा, पीएसबी से अगर आप उपचारित कर लेते हैं तो इसमें फास्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो फास्फोरस को घोलने वाले जो जीवाणु होते हैं वो इसमें, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। या इसी में एजेक्टोबैक्टर कल्चर आता है, उस कल्चर के द्वारा भी बीज को उपचारित कर लेना चाहिए, और बीज को उपचारित करके ही नर्सरी में डालें। हम इसमें नर्सरी कैसे डाली जाती है, इसके यूट्यूब पर इसका वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप जाके उसमें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद में फिर जैसा आपका धान का पौधा है, जो अगेती प्रजाति या मध्यम वाली है या देर से पकने वाली प्रजातियां हैं, उस तरीके से आप नर्सरी डालेंगे। उसके बाद में कुछ ज़्यादा सीजन में इस समय कुछ आप फसल भी लगाए होंगे, जैसे मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, या ऐसी फसलें, इन सबको आप लगाए हैं तो इनकी साप्ताहिक निकाई गुड़ाई या सिंचाई, इन सब पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय ये चीज़ बहुत खास ज़रूरी है कि सिंचाई, अगर बरसात नहीं हो रही है तो 1 सप्ताह के अंतराल पर या 15 दिन के अंतराल पर जो भी इधर खासकर जायज़ सीजन की जितनी भी सब्जियां जो आप लगाए होंगे, चाहे वो कद्दू है, लौकी है, करेला है, तरुई है, भिंडी है, ऐसी सब्जियों को लगाएं तो 1 सप्ताह के अंतराल पर निरंतर उसमें पानी देते रहना चाहिए, सिंचाई का उत्तम प्रबंध करते रहना चाहिए। उसके बाद में फिर जैसा हमको आपको बताए थे कि हरी खाद का भी उत्तम प्रबंध कर लेना चाहिए। अगर आपका खेत खाली है तो जो गेहूं कटाई के बाद और धान लगाने के पहले का जो समय बचता है उसमें आप सनई या ढैंचा, उड़द, मूंग ये सब आप हरी खाद वाली फसलों को लगा सकते हैं। अगर इसकी आवश्यकता नहीं, अगर आपके पास जानवर हैं तो आप चारे के लिए मक्के की बुआई कर सकते हैं, और मक्का ये तैयार हो जाए तो इसको काट कर इसका सालेज बना करके और हरे चारे के रूप में इसको संरक्षित कर सकते हैं। क्रिया ये भी इसमें कर सकते हैं। इधर अरहर की बुआई के लिए, अब इधर बरसात थोड़ा बहुत चल रहा है तो जैसे जैसे नमी आपको अगर अच्छी मिल जाएगी आप अरहर की भी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए भी जो उपयुक्त अच्छी वैरायटी हैं उसका चुनाव करके और उपचारित करके, और उपचारित करने के बाद उनको अच्छे तरीके से आप फसलों की बुआई कर सकते हैं। और ख़ासकर जो भी फसलें इस माह में लगी हैं उनका देखभाल, जैसे कीट पतंग का, खरपतवार का, इस सब का अच्छे तरीके से देखभाल करना चाहिए। तो ये इस समय, और ख़ासकर जो गन्ने वाली फसलें हैं तो गन्नों में इस समय टिलरिंग क्रिया चल रही होगी। इसमें जो आप नाइट्रोजन का जो बचा हुआ डोज है उसको आप यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं, समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। उसमें खरपतवार नियंत्रण, उसके लिए जुताई गुड़ाई है या कुछ जो खरपतवार नाशी दवाएं हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे में कीट पतंगों का भी प्रकोप ज़्यादा होता है तो उसके लिए आवश्यकता अनुसार, जैसे जिन कीटों की ज़्यादा प्रकोप हो उसके अनुसार उसमें कीटनाशी दवाओं का भी उपयोग करते रहें। तो ये गन्ने, जो भी किसान गन्ना लगाए हैं वो उनके लिए एक अहम बात है। सिंचाई भी बहुत अहम है गन्ने में इस समय। अगर बारिश नहीं हुई जिन क्षेत्रों में, वैसे बारिश 1-2 बार हो गई है तो नमी पर्याप्त मात्रा में होगी, तो इस नमी पर्याप्त मात्रा में है तो उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का या जिंक सल्फेट का
आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर कीट पतंगों का उपयोग है तो आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। और अब अगला वीडियो हम आपको बताएंगे कि इस माह में पशुओं का देखभाल कैसे करें और उनको उनके लिए किन 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 बातों का चिरंग से ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।